हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे यार नॉलेज सेंटर। तो इकोनॉमी हम कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट हो गया था, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने पहले आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ष 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्य उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार सम्मानित किया गया था मध्य प्रदेश को, और 18-19 में तमिलनाडु बिहार को। मसालों का बागान केरल कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, उत्पादन की क्रांति को नीली क्रांति बोलते हैं, उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति। गन्ना होता है रेड रॉट रोग, धान में खैरा रोग होता है, अरहर में उदका विल्ट रोग होता है, आलू में झुलसा रोग लेड ब्लाइट रोग होता है। एम एस स्वामीनाथन संबंधित हरित क्रांति से, एल के झा कराधान से, वी बी कुरियन जो है दुग्ध उत्पादन से, और मोरारजी देसाई बैंकों के सामाजिक नियंत्रण संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान घट रहा है। ग्रीन हाउस सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य है अन्य ऋतु में उत्पादन प्राप्त करना। इंडस्ट्रीज में देखेंगे हम, भारत में जिन व्यवसायों का कारोबार 75 करोड़ से अधिक लेकिन 250 करोड़ तक है उन्हें माना जाता है मध्यम उद्यम। भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में सत्य कथन है, भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2018 में लगभग 3.4% कम था। भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है सॉफ्टवेयर को। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतम उत्पादन गन्ने शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम में सहायक का की होता है उत्तरी भारत के दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण से। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की है अबिद हुसैन समिति ने। भारत के निवेश विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था जीवी राम कृष्ण। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं का निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है उद्योग संबंध। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत उद्योग में। लघु उद्योग की समस्या नहीं है, हड़ताल तथा तालाबंदी। राष्ट्रीय वनवीकरण फंड की स्थापना की गई उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्रामीण उद्योग। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991-92 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी 1948 की। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। 31 मार्च 2011 के पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी तमिलनाडु में। वर्ष 2006 में भारत पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है 10 लाख, वर्तमान में 1 करोड़। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1951। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा 1956 की औद्योगिक नीति में। वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया 18 उद्योगों को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों की प्रोन्नति के लिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 1948 में। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL और BIFR समिति है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वितरण से। विपणन संस्था है सेल से। और केला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भारतवर्ष में प्रथम बार बृहद स्तर पर इस्पात संयंत्र है जमशेदपुर स्थित टिस्को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। एक तृतीय क्रियाकलाप है विपणन। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास का निगम स्थापित है कानपुर में। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। CTP की स्थापना की गई लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का समर्थन। फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर।
भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। सहकारिता क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। कार्वे समिति 1955 में बनी थी। अबीद हुसैन समिति 1995 में। नायक समिति 1991 में। एस कोहली समिति 2000 में। देश का जीडीपी के घटक में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित नहीं है खनन। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा केरल में। सर्विसेज में देखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान रहा है सेवाओं का, और 1991 में प्रत्येक विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा गया है सेवा क्षेत्र में। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग होता है सेवा क्षेत्र से। वो 2001-2005 के मध्य निरंतर बढ़ी है सेवा सर्विसेज। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अदेशीय निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। वर्ष 2006-10 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही संचार की। वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा दिल्ली में। वर्ष 2009-10 में सेवाओं की संख्या जो सेवा कर के दायरे में रही थी वह 114। वर्ष 2007-08 और 9-8-9 में भारत के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक सेवा रही है आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं। छठे वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी बीएन कृष्णा ने। परिवहन, संचार, होटल सम्मिलित है सेवा क्षेत्र में। मिनरल रिसोर्सेज में देखेंगे, आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल विपणन में। भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। तातीपाका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है। नागापट्टिनम तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ असम में है। एनर्जी रिसोर्स में देखेंगे, भारत दहाड़ी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है कोयले की खाने। विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है प्रति इकाई विद्युत की कीमतों को कम करना। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 8 अगस्त 2015 को एक तापी विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया विंध्याचल उत्तर प्रदेश में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है उपकर। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर पार्टी। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 स्थापित हुआ था कांडला में। सोशल डायमेंशंस में देखेंगे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए समिति गठित की गई, हासिन समिति। भारत में ग्रामीण बहिर्वास का महत्वपूर्ण कारक है बेरोजगारी। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या थी उत्तर प्रदेश में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग उपव्यय के आधार पर। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। शहरी क्षेत्र में गरीबी क्षेत्र रेखा के औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी के परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया 1997 में। भारत में गरीबी स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नॉक्से से। तेंदुलकर समिति ने गरीबी भारत में गरीबी रेखा के नीचे आंकड़े सॉरी जीवन जनसंख्या के अनुमान नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति की गठन की, सुरेश तेंदुलकर समिति। और भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर। और भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत है वह केरल। 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि गिरावट आई है। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि जो एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है वह है चालू मासिक स्तर। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय प्रतिदिन सर्वेक्षण 61 में दौर के आंकड़ों के अनुसार प्रति चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी है 8%। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान गोवा में। अत्यधिक कुपोषण कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 80% है। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। राष्ट्रीय नवीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा। प्रदेश बेरोजगारी समानता पाई जाती है प्राथमिक क्षेत्र में। अब है कृषि संबंधी योजनाएं।
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICSAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक चार हैं, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था 2011-12 में। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन आच्छादित है उत्तर प्रदेश से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था 1998-99 में। कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 2003-04 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का आरंभ हुआ था 1999-2000 में। मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज का कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, इसे योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है मोटे अनाज। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ अगस्त 2007 में। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता ठेकेदार। वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कृषि को खरीफ फसल भी लागू किया गया था 2005-06 में। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसा उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में इस योजना के अंतर्गत सूचित नहीं है औषधि एवं प्रतिजैविक। आम आदमी बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है, वार्षिक प्रीमियम 3,000 रुपये निर्धारित है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सम्मिलित नहीं है तिलहन से। और हेल्थ एंड रिलेटेड स्कीम में देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु दर संबंधित है। मिशन शिशु दर संबंध लक्षित है वर्ष 2014 तथा 30 प्रति 1,000 जीवितन। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के को प्रारंभ करने का वर्ष था 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है स्वजल धारा योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य स्वच्छता। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट सनराइज। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1952 में। एजुकेटेड रिलेटेड स्कीम में देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ब्लैक ऑपरेशन बोर्ड आया था 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। सर्व शिक्षा अभियान है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे। महिला वृद्ध एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं देखेंगे यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना एवं 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये सभी कथन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में। जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने संबंधित है स्वधार योजना। स्वधार योजना है कठिन परिस्थिति महिलाओं के लिए। गरीबी उन्मूलन और रोजगार संबंधी योजनाएं देखेंगे। कौशल विकास संबंधित योजना नहीं है कायाकल्प। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आरंभ हुआ। और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये 2004 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीब किसान से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम नहीं है वह महिला किसान पशु सशक्तिकरण परियोजना। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थित बेरोजगारी। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वह 2005 है। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया वर्ष 1999 में। श्रमेव जयते कार्यक्रम जुड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंक से। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी 2010 में। प्रधानमंत्री आवास योजना समय अवधि है 2015-2022 में। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन ग्रामीणों श्रमिकों को। राजीव आवास योजना का लक्ष्य मलिन बस्ती मुक्त भारत। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी ध्येय हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है लघु उद्योग। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया JRY को। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का आरंभ किया गया था 1948 को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1999 को। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता ग्रामीण उद्योग। JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। JNNURM का संबंध है शहरी अंधों संरचना में सुरक्षा से सुधार से। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम सम्मिलित नहीं सर्व शिक्षा अभियान। भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है विजन 2020। ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में केंद्र सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है सफाई का प्रबंध। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1993 में। भारत निर्माण का अंश नहीं है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य हो तो आश्रय बीमा योजना का है। 2013-14 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 52.9% थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ अप्रैल 1999 में हुआ। कौशल विकास वह क्रियाशील हुआ अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई उनकी संख्या है 100 दिन। और मनरेगा में वर्तमान 150 दिन केवल आदिवासी क्षेत्र के लिए है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना को प्रारंभ लागू किया गया 2200 जिलों में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष 1999। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना ये सभी उद्देश्य है जवाहर रोजगार योजना का। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना आरंभ हुआ था अप्रैल 1999 में। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम में आधार 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची अधोसंरचना विकास दृष्टि से। एक न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं सामाजिक वानिकी विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में 1 वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है 100 दिनों का। भारत ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था IRDP, ट्राइसेम एंड और NRIP। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्राम चिकित्सालय। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है 2001 में आरंभ हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। रोजगार गारंटी योजना 1993 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में स्टार्ट हुआ था। जलधारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति के लिए है। हरियाली योजना वाटरशेड प्रबंधन के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार के लिए है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क के लिए है। अल्पसंख्यक अनुसूचित अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी योजनाएं हैं। एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इंपॉर्टेंट इंडेक्स में देखेंगे वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन गणना करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गणना की जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धियां और जीवन यापन का स्तर। प्रजनन स्वास्थ्य सशक्तिकरण तथा श्रम बाजार सम्मिलित है लैंगिक असमानता सूचकांक में। यह रिपोर्ट है कौन प्रस्तुत करता है तो विश्व निवेश रिपोर्ट ऑक्टॉट करता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट IMF, व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच। मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रथम बार सम्मिलित किया गया था HDR 2010 में। वह समय जिसने मुद्रास्फीति माप के लिए WPI के स्थान पर CPI को चुना हुआ थे उर्जित पटेल समिति। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया मौर्य डी मौर्य द्वारा।
भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक का प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का विधान है निफ्टी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम प्रथम विकसित किया गया है यूएनडीपी द्वारा। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है फसल सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एक हिस्सा नहीं, स्वास्थ्य एवं पोषण। मानव विकास की दृष्टि भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य केरल है। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने विषमता सूचकांक विकसित किया है, इसमें सम्मिलित नहीं है रोजगार का स्तर। मानवीय विकास सूचकांक का अस्तित्व नहीं है। शिशु मृत्यु दर HPI-2 मानव निर्धनता सूचकांक विचार किया जाता है सामाजिक प्रयोजन पर। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2010-11। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद को। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993 से 94 हटाकर कर दिया जाएगा 2005-4-5, वर्तमान में 11-12 है। यूएनडीपी का मुआयमे निर्धनता सूचकांक बना है। तो वही हमें निर्धनता सूचकांक बनाया 10 प्रत्यय थे। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि एवं कुशलता में विकास। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या 30 है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रति व्यक्ति आय लिंगानुपात है। स्विस बैंक समूह क्रेडिट सुइस द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक 2014 के अनुसार वर्तमान में भारत को दस धनी देशों की कुल संपत्ति का नियंत्रण है 75%। मानव विकास सूचकांक सम्मिलित नहीं किया जाता जनसंख्या को। और यहाँ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान संतुलन से क्वेश्चन, ठीक है। आयात निर्यात दशा दिशा विदेशी पूंजी में सम्मिलित है विदेशी सहायता विदेशी विनियोजक एवं वाणिज्यिक बजट। शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात। आयात की व्यापार की मात्रा घटाता है आयात कर। वह उद्देश्य जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है वह भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इंडेक्ट में। भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार OECD देशों के साथ वर्तमान में उत्तर पूर्व एशिया है। 2018-19 में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं पेट्रोलियम पदार्थ 21%, स्वर्ण 6.40%, मोती मूल्यवान है, अर्ध मूल्यवान पत्थर 4.6%, पेट्रोलियम उत्पाद है 5.23%। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है चीन से। भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशियाई देशों से। पिछले कुछ वर्षों में भारत के आयात की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है पेट्रोलियम उत्पाद ने। विदेशी व्यापार से इसमें भारत चालू खाते पर व्यापार अधिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत में वर्तमान मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थ। भारत के चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है जर्मनी। वर्ष 2018-19 में भारतीय आयात में सर्वाधिक हिस्सा था चीन का 13.68%, यूएसए का इतना था। तो भी नए आंकड़ों देखिए इसको रहने दीजिए। 2009-10 में भारत में आयात का सबसे बड़ा क्षेत्र एशिया का आसियान था। भारत के कुछ आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रहा है पेट्रोल तथा खाद्य तेल का। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत से सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता दालों का। 2004-05 में भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था विनिर्मित वस्तुओं का। भारतीय निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक था 2004-05 में। भारतीय निर्यात की पारंपरिक वस्तु है जूट उत्पाद। ECG संबंधित है निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से। भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है पेट्रोलियम पदार्थ मोती मूल्यन और मूल्यन पत्थर और ड्रग फार्मुलेशन जैविक पदार्थ इस समय। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग भेजा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात और चीन हांगकांग में। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता है सीमा कर। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा कम करती है निर्यात साख एवं गारंटी निगम। और भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है हीरे जवाहरात तथा भूषणों का कच्चा तेल पेट्रोलियम उत्पाद का 2019-20 में। भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राज्य अमेरिका का अंश है 15% और 18-19 का डेटा है 15.9%। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम दो लोकसभा द्वारा पारित किया गया 5 में। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का विभाग है 1%। विशेष आर्थिक मेखला नहीं है चेन्नई में।
भारत में विशेष आर्थिक सेज नीति की गई अप्रैल 2000 में। सेज का मुख्य उद्देश्य निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, एक भुगतान संतुलन धनात्मक करना। 301 सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोधक से। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो अपने उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, सुपर 301 है। सुपर बाजार होता है उच्च गुणवत्ता है मूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। भारत में स्वतंत्र व्यापार में देश क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। एंट्री पॉइंट व्यापार के तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। नेक्स्ट है फेमा है को अंतिम रूप से लागू किया गया 2002 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार यूएसए है। भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2020 में घटा। 2011-12 में भारत का बाहरी व्यापार था इतना करोड़। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालिक दृष्टि भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनना है 2020 तक। क्रेता का बाजार कहलाता है, मांग से पूर्ति अधिक होती है। वर्ष 2009-10 में भारत के निर्यात में सबसे अधिक हिस्सा था यूएई का। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव होता है, आयात महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ते। नई विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को 2009 तक करने का है 1.5%। भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समयावधि है 4/9 2004-9। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया सूरत में। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालिक दृष्टि भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य खिलाड़ी बनाया 2020 तक। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ 1972 में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है मेड इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अंकित बनाना। भारत में आयात नहीं किया जाता खनिज लौह। बैलेंस ऑफ पेमेंट है व्यापार संतुलन से जुड़ा हुआ वस्तु का शुद्ध व्यापार। एक देश के निवासी गण एक विशेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है आयात निर्यात के संबंध में। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। भारत का मूल्य कुल भमाल व्यापार का प्रतिशत जीडीपी 2004-05 में प्रतिशत से बढ़कर 2012 में हो गया 45.6%। विदेशी निवेश ऋण देखेंगे। हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली है, जीवन बीमा व्यवसाय, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से। वर्ष 1991 में से मार्च 2004 की अवधि में भारत में आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सर्वाधिक योगदान वाला देश मॉरिशस था। भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह सबसे अधिक होता है मॉरिशस से, वर्तमान सिंगापुर। 2007-08 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे अधिक प्रवाह हुआ सेवाओं में। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अक्सर मिले हुए हैं वह निम्न क्षेत्रों में पर्यटन, चिकित्सा, संरक्षण, परिधान एवं चमड़े का सामान है। गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित हुआ सेवा क्षेत्र से। भारत में संचयी एफडीआई अंतर प्रवाह में सर्वाधिक हिस्सा है मॉरिशस का। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है विदेशी मुद्रा का। भारत सरकार के 2001 में निवेश के 10,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विपरीत वसूली की धनराशि थी 1,829 करोड़। सितंबर 2019 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण था, तो ये अभी नए आंकड़े याद करिए, इसको तो ऐसे दिया गया है। भारत सरकार ने एफईआरआई फेरा का प्रतिस्थापन किया फेमा से। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना वैश्विक और उदारी का निजीकरण की नीति से है। जनपद प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की गई थी 1994 में। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन देखेंगे। दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य वेनेजुएला। पुनर्वित्त संस्था नाबार्ड। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। वह बैंक जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है नाबार्ड है। उरुग्वे दौ संबंधित है डब्ल्यूटीओ से। स्थापना के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में है एलआईसी 1956, यूटीआई 1963, इडबी 1964, सेबी 1988। भारत, ब्राजील, चीन और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह कहा जाता है G77। G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली। भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन।
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, तात्पर्य गैट्स से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। हाल ही में 1964 में सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ अफगानिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है जिनेवा में। डंकल का नाम संबंधित है गैट से। आर्थर डंकल का नाम संबंधित है गैट से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य तीन स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। डंपिंग रोधी प्रतिपूरक चुंगिया कपार्ट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से। करपार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। इडरा नियमन करती है बीमा कंपनियों का। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार का अर्थ है पत्र स्वर। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है म्यांमार। विदेशी व्यापार का समर्थन करता है ECGC, SMTC, MSTC। सेवा मुक्त होने पर कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया था राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना के निर्णय लिए थे आलू प्याज के उत्पादों के लिए। विदेशी निगम शामिल होते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। G15 है संसार के विकासशील देशों की एक संस्था। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघ के केवल 19 राज्यों की। निर्यातकों के विभिन्न जोखिम हेतु बीमा प्रदान करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया औसत दर्जे की ऋण देश के रूप में। वर्ष 2008-09 में व्यापार भारत के व्यापार में सबसे बड़ा सहभागीदार था एशिया व एशियान। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार नियामक शक्तियां प्रदान की सेबी से। निर्यात वित्तीय में बीमा संबंधित कार्य करती है ECGC। अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिसमें औद्योगिक विकास का समर्थन हो एवं लोगों की बचत को एकत्र करना, ये सभी कार्य है भारतीय यूनियन ट्रस्ट के। और है भारत में पर्यटन और होटल विकास का विकास कार्य है ITDC का। संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया 2015 तक। एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं कंबोडिया। ट्रिप्स समझौते के संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया पौधा उत्पादन का। भारत में राज्य के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान दिए गए विश्व बैंक द्वारा। फसलों के भारतीय संस्थान जहाँ वह स्थित है IIPR है वाराणसी में और IIPR है कानपुर में। IISR है लखनऊ में। IIHR है बेंगलुरु में। DRR है हैदराबाद में। DWR है करनाल में। DMR है नई दिल्ली में। DPR है कानपुर में। CSIR है करनाल में। CRI है त्रिवेंद्रम में। IRRI है मनीला में। और CAZR आई है जोधपुर में। भारतीय जिस औषधि पौधों के अधिकार को लेकर यूएसए से कानूनी लड़ाई जीत चुका है वह पौधा है नीम। यूरोपीय संघ में अब कुल देश हैं 27। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आरण अधिकार स्वर्ण पत्र है। मिसलेनियस में देखेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत के मूल अर्थशास्त्र जिसे अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। वितरण गुणांक है सापेक्ष विक्षेपण की माप। तोरण है संचयी बारंबारता वक्र। वृत्त चित्र है आंकड़ों का चित्रीय प्रदर्शन। पीएम केयर फंड से संबंधित तथ्य कथन है कंपनियों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत गणना की जाती है। बजट द्वारा कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। विदेशी उद्योगों के दान की भी अनुमति प्राप्त है। दृष्टिबाधित लोगों द्वारा नोटों के मूल्यवर्धन की पहचान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया मानी। ट्रिप्स और ट्रेन संबंधित है डंकल प्रस्ताव से। एक अधिकारी एवं प्रबंधित व्यापार अधिनियम है 1969 से पारित हुआ। विदेशी विनिमय अधिनियम फेरा जो है बना 1973 में। और विदेशी विनिमय फेमा जो है 1999 में आया। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम आया 2002 में। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी। संपूर्ण समुदाय के व्यवहारिक सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है स्वच्छ भारत मिशन। अधिकांश लोग के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातः काल भ्रमण फसलों की देखभाल का सामाजिक का हिस्सा है स्वच्छ भारत मिशन। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों में संदर्भ में सही कथन है लगान का विनियमन अवधि की सुरक्षा पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा।
भारत में सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है नीति आयोग। भारत में दिसंबर 2019 तक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कार्यरत थी। 6 जल जीवन मिशन के संदर्भ में कथन है, जल जीवन मिशन केंद्र एवं राज्य एक अग्रणी कार्यक्रम है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में टोटी आधारित नल संयोजन करना है। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है रोजगार सृजन। अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है। आर्थिक विकास से भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में। जब जनसंख्या की प्रकृति सबसे नमूने लिए जाते हैं तो सामान्य नहीं की जाती है, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी द्वारा। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय हैं व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप एवं भौगोलिक संकेत। आयलों की कीमतों में वृद्धि, आर्थिक विकास पर सामंजस्य, विदेशी मुद्रा की निकासी एवं संविदा सरकार की समस्याएं मुख्य चुनौतियां हैं भारत में उठते हुए बाजार के लिए। गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप स्थापना हुई भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कृषि प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय एवं बृहद बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े देशों की तीसरी अर्थव्यवस्था बनी है। क्रय शक्ति समतुल्य की माप के अनुसार शीर्ष देश हैं यूएसए, चीन, भारत, जापान। केलकर समिति ने जिस स्तर पर वार्षिक आय को वैयक्तिक आयकर से मुक्त रखने की संस्तुति की वह 2.5 लाख तक। रघुराजम कमेटी संबंधित है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। अभिदूषण समिति का संबंध है लघु एवं मध्यम उद्योग से। कंपनी अधिनियम में परिवर्तनों को सुझाने हेतु गठन किया गया था जे ईरानी समिति का। हाल ही में वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया अभिजीत सेन को। जिस कमेटी ने कर सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए मालेगाम समिति की सिफारिश पर। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं जिसे AFJPA के 7190 के इसमें पी दर्शाता है व्यक्तिगत। जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था सी रंगराजन। 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु कोष में राज्यों का हिस्सा होगा 29%, 15वें में के अनुसार 42%। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया 1976 में। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यवस्था नहीं की समाज कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट। 2000 और 2001 के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना का प्रावधान किया गया 11,400 करोड़ का। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1982 में। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बजट। मॉर्गन स्टैनले भारत की गणना वर्ष 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की गई तभी उसे स्थान दिया द्वितीय। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई वर्ष 1996 में। कंपनी द्वारा लाभांश घोषणा हो जाती है अभिदत्त पूंजी पर। राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा MS रांधावा ने। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है JBPA यू पंतनगर में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायता सिद्धांत प्रतिपादन किया महात्मा गांधी ने। आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय प्रजनन जनरेशन के सरकार द्वारा चिन्हित किए गए भाग नहीं है न्यायिक प्रणाली में सुधार। विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन, जापान। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी दादाभाई नौरोजी ने। भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड कार्य कर रहा है वित्त मंत्रालय के साथ संबंध होकर। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना संबंधित है स्वैच्छिक सेवा सेवानिवृत्ति से। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क मुक्त है तथा निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना 2005 में की गई केंद्र द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर्ष हेतु। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है प्राकृतिक संस्थाओं की कमी। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया 14 अक्टूबर 2003 को। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य श्रम का पुनर् प्रशिक्षण। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध है टेलीकॉम कंपनियों के डेटाओं के समायोजन से। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को प्रतिपादित किया जे टीन बर्गिन ने। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन से एक्ट लागू किया गया 1977 में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थित है आनंद में।
वर्ष 2019 में विश्व के 179 देशों में भारत के विकास सूचकांक भारत का स्थान 129वां है। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम FATCA क्रियाशील हुआ 30 सितंबर 2015 को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है निजी धन आधार देने का प्रचलन। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मानव विकास मंत्रालय द्वारा जिस नई सब्सिडी सहित केंद्रीय ऋण योजना को अंतिम रूप दिया गया उसके अनुसार माता पिता की वार्षिक आय की सीमा ऋण स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण सब्सिडी पाने हेतु निर्धारित की गई 4.5 लाख रुपए का। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो रुझान पैदा करती है उपभोक्तावाद की ओर। हाल ही में यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही क्योंकि इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया। मंडल आयोग के जिसके प्रस्तावों के अछूत विवाद का सूत्रपात किया जो गठित करने का वाले थे मोरारजी देसाई। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हुए है मन्नार खाड़ी पाक खाड़ी। भारत में समुद्र मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। नई WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 14 सितंबर 2010 को। भारत में मुद्रा स्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप है थोक मूल्य सूचकांक। केंद्र सरकार कर्मचारियों की समझदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक को। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ 1989 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आया। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान दिया जाता है तो उसे कहा जाता है नील बॉक्स है क्या। राघवन समिति बनी प्रतियोगिता नीति और कानून में। नरेश चंद समिति निजी कंपनियों का नियमन के लिए। तारापुर समिति बनी पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए। मासेलकर समिति बनी नकली दवाओं के लिए। एकल व्यापारी है असीमित दायित्व समिति। साझेदारी है संविदा संबंध। सहकारिताएं हैं कमजोर वर्गों की उन्नति। सार्वजनिक कंपनी है जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। और नवा है NPK सालवे और दसवां है KC पंत। ग्यारहवां है MA खुसरो और बारहवां है सुजंगराजन। OGLFOB विदेशी व्यापार है। SJRY ट्रीशेम रोजगार के लिए है। WPSERP सूचकांक है। CRR भौमिक है भौकिंग है जो बैंकिंग को निर्धारित करता है वगैरह। आर्थिक विकास से संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि है सकल घरेलू उत्पाद और संपोषित विकास से पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता है स्वास्थ्य। ठीक है तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका इकोनॉमी भी।